ये देखिए, ये है पटना एम्स, एम्स ओपीडी, और ये है एम्स आईपीडी, कोविड वार्ड। और अब हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि इस मौत के गेट के अंदर अपने किसी भी घर वालों को मत भेजना। यहाँ नर्स लोग क्या करती है, वार्ड बॉय क्या करते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये एम्स आईपीडी, इसी के थर्ड फ्लोर पे हमारे पापा एडमिट थे। और अब हमारी पूरी बात सुनिए। हमारे पापा को कोविड था। हम लोग पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए थे। उसके बाद वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, वहाँ बोला कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पटना एम्स में एडमिट किया। किसी के थ्रू एडमिट हुए मेरे पापा 15 तारीख को रात में 10-10:30 बजे के करीब। वहाँ एडमिट होने के बाद सेकेंड डे से रोज हम लोग पूछते थे कि मेरे पापा खाना खाए कि नहीं खाए। नर्स लोग फ़ोन नहीं उठाती थी, 50 बार फ़ोन करने पर फ़ोन उठाती थी, पूछती थी मैं कि खाना खाया, पापा ने बोलती थी हाँ खाया। मेरे पापा के पास फ़ोन था, पापा मेरे फ़ोन से, मैं जब पूछती थी मेरे पापा से, एक दिन उन्होंने बोला कि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, 5 बज गया था शाम। उन्होंने बोला कि 10 बार मैंने हाथ पैर जोड़ा, बेटा कोई खाना नहीं देता है मुझे, यहाँ कोई पानी नहीं देता है, मुझे प्यास लगा रहता है, कोई नहीं देता है। मैंने नर्स को फ़ोन किया, मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा कि मैडम प्लीज़ मेरे पापा को पानी पिला दीजिए, बहुत बोला। मैं रोज़ बोलती थी, रोज़ फ़ोन करती थी, बोलती थी बोलो खिला दिया है, खिला दिया है, लेकिन मेरे पापा को खाना पानी यहाँ नहीं देता था। कोई छोटा नहीं था, उन्हें बीपी की दवाई नहीं देता दो था। दो बार हम लोगों ने बीपी की दवा पहुँचाई लेकिन किसी ने उन्हें नहीं दिया। मेरे पापा खाना पीना के बिना मर गए, मार दिया सब लोगों ने उन्हें। उन लोगों का जब हमने फेस देखा तो आँख एकदम लग ही नहीं रहा था कि वही इंसान है, आँख फेस लिप्स सब कुछ। मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में कहा गया था कि सिर्फ ऑक्सीजन इनको सही से और खाना पीना मिलेगा तो ठीक हो जाएंगे, इनको ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है। नहीं, इनको ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है, बस थोड़ा ऑक्सीजन की जरूरत थी और अच्छे से केयर करने की, खाना पीना की जरूरत थी। सबसे इम्पोर्टेंट खाना पीना ही नहीं दिया, नॉर्मल खाना भी नहीं दिया, उन्हें भूखे रखा, भूखे रख के मार दिया। यहाँ डॉक्टर नर्स स्टाफ सब कोई भगवान नहीं, सब हैवान है, मेरे पापा को सब मार दिया, सब मार दिया। और एक दिन जब किसी वार्ड बॉय के हेल्प से मैं अंदर गई पीपी किट पहन के, किसी को पता नहीं चला, मैं उनके साथ गई और जब अंदर मैंने ऐसा चीज देखा कि मैं बोल नहीं सकती कि मैंने क्या देखा, आई वॉज स्पीचलेस एट दैट टाइम, वो ये कि माय फादर वाज अनकॉन्शियस और सेंसलेस, वो सेंसलेस हो चुके थे। सब लोगों ने पागल कर दिया उसे, वो चिल्लाते चिल्लाते खाना दो खाना दो, ऑक्सीजन निकालो, मास्क निकालो, किसी ने नहीं निकाला। बांध दिया था ऑक्सीजन से, पूरे उनके सिर पे पूरा दाग हो गया था, उन्हें बांध दिया था और उन्हें ताकत नहीं था कि वो अपने से पानी पी सके। और उनका फोन हटा दिया गया था, उनका फोन हटा के साइलेंट करके रख दिया गया था अलमीरा के अंदर। और उसके बाद मैं जब पिछले 2 दिन उन्हें खाना पहुंचाई थी तो वो खाना वैसा ही का वैसा ही टिफिन में पैक्ड, दोनों बॉटल पैक्ड, कुछ नहीं दिया गया था। और जो हॉस्पिटल से खाना मिलता था उसमें टाइट रबर लगा हुआ, पेशेंट को दिया नहीं जाता था खोलकर, क्यों? क्योंकि वो कोरोना पेशेंट है। हमारा ये कहना है कि ठीक है आप एडमिट करते हो ऑक्सीजन के लिए, ठीक है यहाँ ऑक्सीजन है इसलिए हम लोगों ने यहाँ भेजा, लेकिन अगर आप लोगों को टच नहीं करना है, आप लोगों को खाना नहीं देना है, तो आप लोग हम लोगों को बोलो घर, आपके घर वाले आकर खिलाए, पानी पिलाए, लेकिन यहाँ तो मिलने नहीं देता है पूरा पैक हर कुछ, इसलिए कि वो बाथरूम करेंगे, यूरिन पास करेंगे तो कौन साफ करेगा। तो यहाँ तो आप लोग मारने वाला काम करते हो। और सबसे बड़ी बात कि उनका बीपी का दवाई किसी ने नहीं चलाया, किसी ने हार्ट काम करना बंद कर दिया। उन्हें हार्ट की कभी प्रॉब्लम नहीं थी इससे पहले, कुछ भी नहीं,
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना हार्ट अटैक ना कुछ, ना हार्ट फेलियर, अचानक से उनका हार्ट स्लो डाउन हो गया। और जब इस बात से और पता चला कि वो सेंसलेस हो चुके, मैं जब गई तो उनके उन्हें एक फोटो दी साईं बाबा की, वो उस फोटो को लेकर कान में लगा के हलो हलो करने लगे। वो समझ नहीं पाए कि वो फोटो है या फोन है, ऐसा वो वहां बन गए। मेरे पापा के बारे में, लोकेश हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट किया था उन्हें, वहां बोला था कि हम लोग के पास ऑक्सीजन नहीं है, बस इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं ले जाने के लिए, नहीं तो आपके पापा का कंडीशन बहुत अच्छा है, उन्हें अच्छा से खिलाइए पिलाइएगा और ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को क्या पता था, हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से यहाँ छोड़े थे, हम लोग को पता था कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट है इसलिए छोड़े थे, लेकिन यहाँ तो उन्हें भूखे रख के मार दिया, पानी नहीं दिया, मेरे पापा को पानी तक नसीब नहीं हुआ, मार दिया सब लोग। मैं उनकी छोटी बेटी वैष्णवी और ये मेरी दीदी मोना सिंह, ये खुद वहाँ कॉल कर के बात करती थी। हमारे घर में मेरा भाई भी पॉजिटिव है, मेरी माँ का भी तबीयत खराब है, हम दोनों सब कुछ कर रहे थे, बहुत फोन करके बोला लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। मैं यहाँ हॉस्पिटल खाना लेकर आती थी, पानी देती थी, सब कुछ करती थी, और वहाँ ये कॉल कर के पूछती थी, बट वहाँ से झूठ बोला जाता था। और हमें तो ये भी सुनने में आया कि यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट ही नहीं है, लगने वाला था, बेटा से आने वाला था, बट नहीं है, यहीं के 2-3 डॉक्टर्स बोले हैं। हम लोग बस यही बोलना चाहते हैं कि प्लीज प्लीज पटना एम्स में किसी भूल के भी मत लाइएगा, ये मौत का दरवाजा है, कोई अपने पेशेंट को नहीं रखिएगा, इससे अच्छा है कि वो ऑक्सीजन की वजह से घर में ही मर जाए लेकिन तड़प तड़प के यहाँ ना मरे। हम लोगों को बस इस बात का दुख है कि वो मरते, लेकिन वो ऑक्सीजन की कमी से ही मरते, लेकिन वो बिना तड़प के नहीं मरते, तड़प कर नहीं मरते, बिना खाए पिए नहीं मरते। हम लोग को यहाँ बोला गया कि मेरे पापा को आईसीयू में एडमिट किया जा रहा है, 21 तारीख को रात को उन्हें 10 बजे आईसीयू में एडमिट किया और सुबह 5:30 फोन आया कि उनका हार्ट काम करना बंद कर दिया है। हार्ट कैसे काम करना बंद कर देगा, उन्हें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें। और 22 तारीख को मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, सुबह को फोन आया कि वो नहीं रहे, उनका चेहरा देख के लग रहा था कि वो कितने दिन से खाए पिए नहीं है, ऐसा कर दिया था सब, और सेंसलेस हो गए थे। सबसे बड़ी बात कि ऐसा अंदर में सब किया क्या जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए, मेंटली डिस्टर्ब। टॉर्चर किया मेरे पापा को खाना पीना नहीं दे के मार दिया। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए आप लोग प्लीज, और सतर्क हो जाइए ताकि किसी के साथ, किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो जो हम लोग के साथ हुआ। देखिए यही हमारे पापा एडमिट थे, इसके 3rd फ्लोर पे C3A वार्ड में, कोविड वार्ड में, वो कोविड वार्ड नहीं था, मौत का वार्ड था। ये देखिए ये ट्रॉमा सेंटर, यहीं पर मैं रोज आके उन्हें टिफिन बॉटल बीपी की दवाई सब कुछ देती थी, लेकिन अंदर क्या पता था कि क्या हो रहा है। देखिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे मैं वेट करती थी खाना पहुंचा कि नहीं, लेकिन अंदर कोई रिसीव ही नहीं किया। 3rd डे से ऐसा हुआ, 1st-2nd डे तक पापा से मेरी बात हुई होती थी, लेकिन 3rd डे से न खाना न पानी, और जब मैं अंदर जाके देखी तब मुझे पता चला क्या होता है। ये देखिए मेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट, ये देखिए, ये बस 2 पन्ने में लिख कर हमारे पापा के बारे दे दिया 22 तारीख को यहाँ के डॉक्टर्स, और इसमें जो जो कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ इसमें गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? इसमें लिखा हुआ है बार बार नेगेटिव वर्ड्स, हाइपरटेंशन, जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट वहाँ और वो बन गए थे, चिड़चिड़ा कर डिप्रेशन से मेंटली डिस्टर्ब यहाँ कर दिया गया था। बस अब आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि प्लीज प्लीज इस वीडियो को वायरल करिए। मैं सिर्फ इसलिए ये कर रही हूँ कि जो मेरे पापा के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो,
और मेरे पापा की आत्मा को थोड़ा शांति मिले। प्लीज आप लोग इस वीडियो को, हमारे पापा की आत्मा को शांति मिले, वो जो बिना खाए पिए डेथ किए हैं उनको शांति मिले, इसलिए प्लीज ऐसा कीजिए और इस मौत के दरवाजे में आने से बचिए। कभी मत आइए, कभी नहीं, जहाँ कोई मिलने ना दे मत आइए, मार देगा, मारता है लोगों को, बचाता नहीं, यहाँ कोई टच नहीं करता है, बस बाथरूम की वजह से। यहाँ की सिस्टर लोग, वार्ड बॉय सब जो भी किया है उन लोगों को भगवान देंगे। थैंक यू सो मच और प्लीज इस वीडियो को वायरल करिए, प्लीज, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।